जिला कैमूर ग्राम पढ़ौती से मुखिया पद के उम्मीदवार अनीता देवी मोतियों के माला के साथ अपनी पंचायत का दौरा करते नजर आए। जिला कैमूर ग्राम पंचायत पढ़ौती से मुखिया पद के उम्मीदवार अनीता देवी का चुनाव चिन्ह मोतियों का माला मोतियों के माला के साथ अपने पंचायत के सभी लोगों से निवेदन करते हुए बस यही कह रही थी, इस बार आप हमें मुखिया के रूप में स्वीकार करें। वहीं पवन के पति नंदू सिंह ने बताया कि मेरी पत्नी कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी है, शिक्षित महिला है। अपनी पत्नी के लिए पूरे गाँव वालों से हाथ जोड़कर पूरे पंचायत के लोगों से निवेदन करता हूँ, इस बार हमारी पत्नी को मुखिया बनाया ताकि हम अपने गांव का विकास कर सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 तारीख को आप मोतियों के माला के सामने बटन दबाकर हमें अपना आशीर्वाद दें और अनीता देवी को मुखिया बनाएं। मैं सदा जीवन आप लोगों का एहसान मंद रहूंगा। बिहार जिला कैमूर से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। पांच साल के कार्यकाल को जैसे सुचारू रूप से चलाए, ठीक उसी प्रकार आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या आप उस कार्यकाल को उसी ढंग से संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। जिस तरह से हमने पंचायत समिति सदस्य रहा पाँच साल में, हमने लगभग जितना मेरा पद पावर था हमने उस चीज़ को करने का काम किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि मैं मुखिया अगर बनता हूं तो मैं निश्चित रूप से पूरी जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं जरूर करने का काम करूँगा हर संभव। मैं देखिए अभी जो मैं 5 साल BDC रहा, हमने सारा ध्यान केंद्रित कर करके जनता के बीच में, अभी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आज मैं लड़ाई में हूँ सिर्फ जनता के बीच में रहा। सर ये बताइए, हर मुखिया लोग जीत जाने के बाद बहुत से वादे और इरादे को भूल जाते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, ऐसा तो सभी लोग वादा करते हैं कि मैं जीतने के बाद यह करूँगा वो करूँगा, तो मैं तो जीता हूँ। मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं जो भी वादा करूंगा उस पर उनका विश्वास है, भरोसा है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। आपके कहने से मतलब ये तात्पर्य होता है कि आप जीत जाएंगे तो जीतने के बाद जनता में अपना पूरा समय व्यतीत करेंगे और जनता को सुचारू रूप से जो भी कमियां हो उसको आप बराबर ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, हमने ध्यान रखते हुए मैं काम करूँगा। मैं चाहता हूँ कि माँ मुंडेश्वरी का कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तमाम जनता जनार्दन का हमारे ऊपर ध्यान बना रहे, ताकि मैं उस परिवार से हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ जो परिवार राजनीति के बारे में सोच नहीं सकता है। हमने सोचने का काम किया और सोचा और जनता ने हमें सपोर्ट दिया। एक बार हमने पंचायत समिति का चुनाव जीता, फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ। जो भी हमारे समकक्ष परिवार हैं, जो गरीब हैं, अभी क्या है कि जो लोग करोड़पति हैं वो आते हैं और पैसा के बल पर जीतने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो जीतते हैं तो जरूर है, लेकिन जो पैसा खर्च कर करके आता है वो पैसा निकाल लेते हैं। सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो